स्क्रब टाइफस क्या है? यह एक बैक्टीरिया ओरिएंशिया सुत्सुगामुशी के कारण होने वाली बीमारी है। यह बैक्टीरिया चिगर के लार्वा माइट्स में रहती है, मतलब चिगर के बच्चों में रहती है, और जब ये कीड़े लोगों को काटते हैं तो उससे ये बीमारी फैलती है। चिगर जंगलों में, खेतों में और जहाँ ऊंची घास उगती हो ऐसी जगहों में पाए जाते हैं। स्क्रब टाइफस के लक्षण आमतौर पर चिगर माइट के काटने के 10 से 12 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं। बुखार और ठंड लगना, सर दर्द, शरीर और मांसपेशियों में दर्द होना, मानसिक परिवर्तन जैसे भ्रम, कोमा, बड़े हुए लिम्फ नोड्स, त्वचा पर रैश या दाने और एस्चर जो कि चिगर के काटने की जगह पर घाव बन जाता है, पर ये गहरे रंग की त्वचा पर अक्सर नहीं दिखता है। तो आपको डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जब ये बीमारी सीरियस हो जाती है या आपको समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो इससे हमारे जो अंग हैं जैसे फेफड़े, किडनी, लिवर, ये काम करना बंद कर सकते हैं और ब्लीडिंग भी हो सकती है। समय से ना इलाज मिलने पर ये बीमारी घातक भी सिद्ध हो सकती है। दूसरा, क्योंकि ये डेंगू और टाइफाइड जैसी अन्य बीमारियों से मिलता जुलता है, पर टाइफस का इलाज और ट्रीटमेंट एकदम अलग है। इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना है जो आपके लक्षण देखकर, आपका चेकअप करके और खून टेस्ट से पता करेंगे कि क्या बीमारी है, ताकि सही समय पर आपका इलाज शुरू हो जाए। इस बीमारी से कैसे बचना है? घने वनों में, जंगलों में, खेतों में जहां पर संक्रमित चिगर हैं, वहां पर हो सके तो ना जाएं। अगर आपको इन जगहों पर जाना पड़ता है जहाँ ऊँची घास है या जंगल है, तो आप पूरी बांह के कपड़े पहने जो आपकी टांगे और हाथ ढकें, और घर आने के तुरंत बाद अच्छे से नहाएं और जो कपड़े पहने थे उन्हें साबुन और पानी से तभी धोएं। कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल करें जो बदन पे लगा सकते हो। सबसे ज़रूरी बात कि घबराइएगा नहीं, डॉक्टरों के पास इस बीमारी का इलाज है। इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव या काम करता है। अगर आपको ये लक्षण है तो कृपया अपने डॉक्टर से मिलें। यह वीडियो देखकर खुद को डायग्नोज ना करें और ना ही अपने आप से कुछ भी इलाज ले लें। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिखकर प्लीज़ पूछें, हम उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे।